प्यारे बच्चों नमस्कार, मैथ के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों हम चर्चा कर रहे थे आपके ट्वेल्थ क्लास के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक वेक्टर के ऊपर, जिसके ऑलरेडी हमारे 4 लेक्चर हो चुके हैं, जिसके अंदर हमने आपके 13.1 से रिलेटेड बेसिक जानकारी को डिस्कस कर ली है। तो बच्चों आज के इस लेक्चर में, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में कहा था कि आज का ये हमारा जो कंप्लीट लेक्चर है वो आपके 13.1 जो एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चंस के ऊपर डिपेंड रहेगा, जिसमें हम हर फॉर्मूले से रिलेटेड कुछ ना कोई क्वेश्चन सोल्व करेंगे और उनकी बेसिक जानकारी को भी साथ साथ दोबारा डिस्कस करेंगे। तो बच्चों आपके बुक का ही एग्जाम्पल नंबर जो 1 है वो मैं एक बार लिख देता हूँ। तो एग्जाम्पल नंबर 1 है बच्चों हमारे पास कि हमारे पास क्वेश्चन है कि वेक्टर ए वेक्टर गिवन है आपको, वो है i-2j+k। एग्जाम्पल नंबर 1 एक ए वेक्टर दिया बच्चों आपको जो है i+2j-k, ठीक है। बी वेक्टर है -2i+4j+3k। एंड नेक्स्ट है सी वेक्टर i-6j-7k, ठीक है। ये बच्चों आपको गिवन है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो चुकी है बच्चों, ये माइनस है और ये प्लस है। क्वेश्चन है कि इनका योगफल कीजिए, ये हमें क्या करना है, इनका सम करना है, एडिशन करना है, कि हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर की। तो बच्चों हमेशा आपको एक बात याद रखनी है कि जब भी हम कोई 2 वेक्टर हो चाहे 3 वेक्टर हो, जब उनको ऐड करेंगे, सब्स्ट्रैक्ट करेंगे, या जो एक बात और हमने पढ़ी थी कि किसी स्केलर का वेक्टर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, उन तीनों कंडीशन में जो रिजल्ट होगा वो सदैव वेक्टर ही होगा। बच्चों ये आपको याद रखना जरूरी है, 2 वेक्टर का एडिशन सब्स्ट्रैक्शन और मल्टीप्लाई बाय स्केलर, इन तीनों कंडीशन में आपका जो रिजल्ट होता है वो ऑलवेज एक वेक्टर ही होगा। तो इसकी वैल्यू लिखने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनको लिख लेते हैं i-2j+k -2i+4j+3k + i6j-7k। तो आपको अब क्या करना होगा, i केप वाले अलग, j केप वाले अलग और k केप वाले अलग। तो क्या हो जाएगा, i-2i+i, ठीक है, प्लस यहां पे माइनस का 2j कैप, यहां पे प्लस 4j कैप और यहां पे माइनस का 6j कैप, प्लस यहां पे है k कैप प्लस 3k कैप माइनस 7k कैप। अब हमें क्या करना है, इन सबको ऐड करना है। तो देखो बच्चों i कैप को एक बार इग्नोर करते हैं, चलो सिर्फ हमें कांस्टेंट को ही ऐड करना है या सब्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो 1, 1, 2 - 2 हो जाएगा 0, तो इसको मैं अगर 0i कैप लिखूंगा, ठीक है, एक बार, हाँ वैसे इसको ना लिखूं तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधा रिमूव कर सकते हो, लेकिन इसमें सिर्फ एक बार इसको लिखा है, ठीक है। -6 - 2 हो जाएगा -8 +4 तो आ जाएगा -4j कैप, -7 + 4 तो -3k कैप, तो इसको रिमूव कर दो तो -4j कैप -3k कैप। तो बच्चों ये आपका फाइनल आंसर होगा। बात समझ आ गई होगी, कोई डाउट है तो बता सकते हो। तो बच्चों ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, प्रोसेस याद रखो बच्चों। ऐसा क्वेश्चन वैसे चांस बहुत कम है, हाँ लेकिन सिंपल जो बड़े क्वेश्चन होते हैं वहां पे क्या होगा, हमें ऐसा क्वेश्चन दिख जाएगा कि वहां पे क्या होगा, अलग चीज होगी, जैसे 2 वेक्टर का एडिशन करके कुछ नई चीज फाइंड आउट करनी होगी। तो एडिशन करने का जो प्रोसेस है बच्चों वो सिंपल सा ही है, आई कैप वालों को ऐड कर लो, जे कैप वालों को ऐड कर लो, के कैप वालों को ऐड कर लो, जो भी आपका फाइनल रिजल्ट आता है उसको लिख दो, ठीक है। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं, जो बच्चों आपकी बुक में हमें दिया गया है, जो एग्जांपल नंबर 2,
ये दिया गया है कि दो वेक्टर हैं बच्चों, पहले यदि सदिश ए वेक्टर है एक्स आई टू जे जेड के, ए वेक्टर क्या है एक्स आई टू जे जेड के, एंड बी वेक्टर है टू आई प्लस वाई जे प्लस के, कुछ ऐसा। और आगे क्वेश्चन में गिवन है कि ये दोनों वेक्टर इक्वल है, यानी बच्चों क्वेश्चन क्या है कि एक ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है, दोनों के दोनों वेक्टर इक्वल है, तो आपको क्या बताना है इसमें एक्स वाई जेड की क्या वैल्यू होगी वो आपको यहां पर बतानी है। क्वेश्चन समझ आ गया होगा बच्चों। पहले कोई भी क्वेश्चन को करो उसको बेसिकली रीड करो, क्यों इंग्लिश की एक कहावत है ए वेल डिफाइंड प्रॉब्लम इज हाफ सॉल्व, यानी सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए भी क्वेश्चन है क्या, वो पूछ क्या रहे। तो सिंपल से केस ये दे दिया कि ये दोनों वेक्टर इक्वल है, तो सबसे पहले इक्वल वेक्टर के कॉन्सेप्ट पे आते हैं बच्चों। दो वेक्टर इक्वल कब होते हैं, तो अगर आपको याद हो तो मैंने एक वेक्टर कंपोनेंट टॉपिक डिस्कस किया था शायद लेक्चर नंबर 2 के अंदर या 3 के अंदर। तो वेक्टर कंपोनेंट क्या गया था, तो उसके अंदर हमने दो तरीके के कंपोनेंट पढ़े थे, स्केलर कंपोनेंट और वेक्टर कंपोनेंट, यानी सदिश घटक और अदिश घटक। तो दो वेक्टर इक्वल कब होते हैं, जिनके स्केलर कंपोनेंट और वेक्टर कंपोनेंट क्या हो कंप्लीटली इक्वल हो। तो यदि मैं ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर लिखूंगा तो इसका ये स्केलर कंपोनेंट इस स्केलर कंपोनेंट के इक्वल होते, इनको इक्वल लिख लेता हूं मैं एक्स आई प्लस टू जे प्लस जेड के इक्वल टू टू आई प्लस वाई जे प्लस के। अब ये कंपोनेंट आपको इक्वल कर दो तो एक्स कंपोनेंट किसके इक्वल होगा टू के, यहां पर टू है यहां पे वाई, तो वाई की वैल्यू भी टू, सॉरी कॉमा आएगा बच्चों यहां पे, एंड जेड की वैल्यू वन। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। तो बच्चों याद रखना दो वेक्टर इक्वल कब होंगे, जब उनके स्केलर कंपोनेंट और जब उनके वेक्टर कंपोनेंट दोनों के दोनों क्या आ जाते हैं इक्वल आ जाते हैं, उस केस में आपके ये जो वेक्टर है वो क्या होंगे इक्वल होंगे। देखिए बच्चों दोनों क्वेश्चन समझ आए या नहीं आए, सिंपल क्वेश्चन है ना। आपको ये कहा था यदि आपका बेसिकली स्ट्रांग है तो मान के चलिए इन क्वेश्चन में आपको कोई भी तरीके का डाउट नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों एग्जाम्पल नंबर 3 की ओर। एग्जाम्पल नंबर 3 है कि मान लीजिए यानी लेट की ए वेक्टर है आई प्लस टू जे। एग्जाम्पल नंबर 3 है बच्चों, क्वेश्चन में गिवन है लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू आई प्लस टू जे एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू टू आई प्लस जे। फाइंड इफ ए वेक्टर का जो मॉड्यूलस इक्वल टू बी वेक्टर मॉड्यूलस, ये फाइंड आउट करना है कि क्या इन दोनों का मॉड्यूलस इक्वल है, एंड नेक्स्ट कि क्या ए वेक्टर और बी वेक्टर इक्वल है, ये दो केस बताने हैं बच्चों, फाइंड आउट करना है ये दोनों केस अपने को। ठीक है क्वेश्चन समझ आया, रिपीट कर रहा हूं कि क्वेश्चन ये है कि आपको दो वेक्टर दे दिए, पहले दे दिया ए वेक्टर जो है आई प्लस टू जे, एक दे दिया बी वेक्टर जो है टू आई प्लस जे। हमें क्या बताना है, हमें ये पता करना है कि क्या इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, नंबर एक वन केस। सेकंड और फिर ये चेक करना है कि ए वेक्टर इक्वल बी वेक्टर है या नहीं। तो बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर मैं एक दो बातें और बताऊंगा इस क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद, आप देखो समझो इसको। सबसे पहले ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा, वन स्क्वेयर प्लस टू स्क्वेयर इक्वल टू वन प्लस फोर इक्वल टू फाइव। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड टू स्क्वेयर प्लस वन स्क्वेयर, फोर प्लस वन क्या हो जाएगा रूट फाइव। अब आपको याद होगा मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है, तो आपको मैंने बताया था फॉर्मूला, यदि कोई वेक्टर एक्स आई वाई जे प्लस जेड के की फॉर्म में हो तो उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो होता है स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर।
तो उसी कंसेप्ट को यूज करके हमने क्या किया, हमने यहां पर दो अलग अलग वेक्टर निकाल लिए। तो यहां से एक बात तो क्लियर हो जाती है कि ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर का जो मॉडुलस है वो होगा, यानी दोनों के मॉडुलस इक्वल होंगे। लेकिन अब बात आती है कि क्या ए वेक्टर और बी वेक्टर इक्वल हैं? तो बच्चों ये केस इक्वल नहीं होगा। तो मैंने आपको देखो जो अभी हमने इससे प्रीवियस जो क्वेश्चन किया था आपको मैंने बताया था जो स्केलर कंपोनेंट है और वेक्टर कंपोनेंट है वो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। सॉरी ये तो क्या इनके स्केलर कंपोनेंट इक्वल है, यानी यहां पर वन है यहां पे टू है यहां पे टू है यहां पे वन है, क्या इक्वल होंगे? तो नहीं होंगे। तो बच्चों यहां पे हमारा आंसर होगा कि ए वेक्टर इज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर। अब हो सकता है बच्चों आप में कई आपके कईयों के दिमाग में एक बात आई यहां पर कि भाई मॉड्यूलस इक्वल हो गया तो भाई डायरेक्शन भी पॉजिटिव है तो इक्वल क्यों नहीं हो सकते। जैसे बच्चों मैं आपको 2D के अंदर एक बार आओ आप, तो बच्चों देखो ये 2 मान लिया मैंने, 1 3 4 1 2 3 4 -1 -2 -3 -1 -2 -3। तो देन मतलब यहाँ पे बच्चों कोई पॉइंट है 2, 3 ठीक है, और एक है 3, 2। तो बच्चों क्या ही दोनों वेक्टर एक जैसे माने जाएंगे? नहीं माने जाएंगे, क्योंकि इनका जो एंगल है वो अलग अलग है, ओरिजिन से इसकी जो डायरेक्शन है वो अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल मान लो भाई, जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मान लो ये 45 डिग्री है ये 60 डिग्री है, तो डायरेक्शन तो अलग हो गई या नहीं हो गई? मान लीजिए यहाँ से आप कोई चीज़ फेंकते हो 45 डिग्री के एंगल पर, एक 60 डिग्री के एंगल पर, दोनों का पाथ अलग अलग हो जाएगा, दोनों का जो रिच पॉइंट है वो अलग अलग हो जाएगा, रेंज अलग अलग हो जाएगी। तो जो सिर्फ मॉडुलस इक्वल होने से जरूरी नहीं होता कि दो वेक्टर इक्वल होंगे, ठीक है? कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों? इतना कोई डाउट है तो बता सकते हो आप। यहां तक यदि हम इसे किसी को भी कोई भी तरीके का डाउट है तो आप बता सकते हो। क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट? तो बच्चों कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, आपकी बुक में भी आपको मिलेंगे कि आपको दो वेक्टर अपनी तरफ से लिखने होते हैं, जहां आपको ये गिवन होगा कि उनका मॉडुलस इक्वल हो बट वेक्टर इक्वल ना हो। तो सिंपल सी प्रोसेस आपको मैं बता देता हूं, एक्स वाई जेड को आपस में चेंज कर दो। जैसे यहां पे मान लो 2, 3, 4 है, तो इन 3, 4 को चेंज कर दो, 2, 3 को चेंज कर दो, 2, 4 को चेंज कर दो, या तीनों को ही आगे पीछे कर दो, या इनका साइन चेंज कर दो। तो उस कंडीशन में वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा लेकिन वेक्टर चेंज हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको दो वेक्टर लिखने हैं जो इक्वल मैग्नीट्यूड का हो, जैसे मान लो एक आई प्लस जे है तो माइनस आई प्लस जे, माइनस आई माइनस जे, आई माइनस जी, इन चारों का मैग्नीट्यूड एक है लेकिन मैग्नीट्यूड सॉरी एक नहीं है वो रूट दो, वैसे एक करने का मतलब इक्वल है, ठीक है? इनका जो मैग्नीट्यूड है वो रूट टू है सबका, लेकिन एक्चुअली वेक्टर तो अलग अलग हो गए। तो बच्चों मैं यही कंसेप्ट आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी वैल्यू चेंज हो जाती है आपस में, जो कंपोनेंट चेंज हो जाते हैं, जो एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट बन जाता है या वाई एक्स बन जाता है, या जेड में या आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, या आप किसी कंपोनेंट का साइन चेंज कर देते हो, तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड जरूर चेंज नहीं होता लेकिन वेक्टर चेंज हो जाता है, वो आपको कोई ना कोई नया वेक्टर जनरेट करके देगा क्योंकि उसकी थोड़ी सी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, ठीक है? तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आपको एग्जाम्पल नंबर 3 और उसके पीछे का जो सारा कंसेप्ट है वो समझ आया होगा, ठीक है? तो बच्चों अब क्वेश्चन जो एग्जाम्पल है वो के लेक्चर नंबर 4 के अंदर जो बेसिक बताया गया सारा उस पर डिपेंड है। तो देखिए बच्चों यदि आपको याद हो मैंने कल आपको एक जो प्रीवियस लेक्चर में लेक्चर नंबर 4 हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था मल्टी स्केलर का वेक्टर के साथ मल्टीप्लिकेशन, यानी एक अदिश का सदिश से गुणा।
क्यों किया जाता है? तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब हमें एक वेक्टर को एक अदर वेक्टर में चेंज करना हो, दूसरे वेक्टर में के जैसा बनाना हो, कंप्लीट वेक्टर नहीं होगा लेकिन उसका मैग्नीट्यूड उतना बनाना हो, तब हम स्केलर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन क्यों, कब करते हैं? सबसे पहले उसको यूनिट वेक्टर में चेंज करेंगे, जिसको भी चेंज करना है। तो क्वेश्चन है बच्चों, एग्जांपल नंबर 4 है कि वेक्टर ए वेक्टर इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस k। एग्जांपल नंबर 4 है, ए वेक्टर है 2i प्लस 3j प्लस k। ये हमारे पास एक वेक्टर है, इसके डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर बताना है। इसी के डायरेक्शन में क्या बताना है? एक यूनिट वेक्टर। तो डायरेक्शन चेंज सेम रखने का मतलब ये हो गया कि ये जो कंपोनेंट है यहां वाले, उनका साइन चेंज नहीं होना चाहिए, आई जे के यही रहेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होंगे। ठीक है, तो देखो, तो सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ ए, जो बच्चों आपको फॉर्मूला बताया 2 स्क्वेयर प्लस 3 स्क्वेयर प्लस 1 स्क्वेयर, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 9 प्लस 1, तो ये आ गया 14। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको बताया था कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन क्या होती है? ए वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ये डेफिनेशन होता है ना आपको, कि जब आप किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हो, तब जो आपका रिजल्टेंट होता है वो एक यूनिट वेक्टर होता है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 2i प्लस 3j प्लस k, रूट 14 है। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, 2 अपॉन रूट 14 i कैप, 3 अपॉन रूट 14 j कैप, 1 अपॉन रूट 14 k कैप। लेकिन क्वेश्चन अभी फिनिश नहीं हुआ, हमें इसके डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर चाहिए। मान लिया इसके डायरेक्शन में जो मुझे वेक्टर फाइंड आउट करना है वो कितना है, बी वेक्टर है, वो यूनिट वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1। तो 1.a कैप मेरा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बस समझ आई? हाँ, तो बच्चों देखो यहां से कंसेप्ट क्लियर कर लो सारा, कि जब भी आपको कोई वेक्टर के डायरेक्शन में एक अदर वेक्टर फाइंड आउट करना हो, उसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ हो, तो सिंपल सी प्रोसेस उसका यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करके जितना भी मैग्नीट्यूड बनाना है उससे क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो नहीं तो यूनिट वेक्टर बनाना है तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 ही होगा, तो बस 1 के ऊपर ही हमारा फोकस है। तो मल्टीप्लाई करूंगा तो सेम टू सेम यही प्रोसेस आ जाएगी। तो जो इसके डायरेक्शन में जो नया यूनिट वेक्टर होगा जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, वो क्या आ जाएगा? तो ये बच्चों ये सारी प्रोसेस हमारे लिए प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की हुई है, तो मेरे हिसाब से समझ आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट है तो एक बार इसको देखो, बताओ। ठीक है, इसके बाद बच्चों बारी आती है आपके एग्जाम्पल नंबर 5 की। अब हम क्या डिस्कस करेंगे आपका एग्जाम्पल नंबर 5। तो एग्जाम्पल नंबर 5 है बच्चों हमारे पास कि एक वेक्टर है ए आई माइनस 2j, उसी की डायरेक्शन में हमें एक ऐसा वेक्टर बताना है जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, 7 हो, यानी आई माइनस 2j। इसके डायरेक्शन में बच्चों हमें एक नया वेक्टर बताना है जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 7 यूनिट होगा। तो सबसे पहले लेट मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्या होगा, 1 स्क्वेयर प्लस माइनस 2 स्क्वेयर। क्योंकि कई बार बच्चे जल्दबाजी में ये माइनस देखकर यहां माइनस कर देते हैं, तो बच्चों यहां माइनस नहीं होगा, वो ब्रैकेट के अंदर ही आएगा। तो 1 प्लस 4 कितना हो जाएगा, रूट 5 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई होगी कि जो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो कितना आ जाएगा, रूट 5। अब हमें आगे इस प्रोसेस को बढ़ाना है, तो सबसे पहले हम ए कैप फाइंड आउट करेंगे। ए कैप क्या हो जाएगा, ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो ए वेक्टर कितने, आई कैप माइनस 2j कैप डिवाइड बाय रूट 5। ए कैप आ गया मेरे पास। अब बच्चों जो मुझे नया वेक्टर चाहिए उसका मैग्नीट्यूड 7 यूनिट होना चाहिए, ये क्वेश्चन में गिवन है।
उसका जो मैग्नीट्यूड है बच्चों वो कितना होना चाहिए, 7। तो अब मुझे क्या करना है कि मुझे 7 मैग्नीट्यूड का वेक्टर चाहिए, तो इसके अकॉर्डिंग मैं बी वेक्टर को क्या लिखता हूँ, 7.a कैप यदि मैं लिख दूं, 7.a कैप यदि मैं लिख दूं, तो बताइए बी वेक्टर बन जाएगा या नहीं बन जाएगा, यानी बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, क्योंकि इसी की डायरेक्शन में। बच्चों याद रखो, जब आप स्केलर से मल्टीप्लाई करते हो, नेगेटिव क्वांटिटी यदि वो नहीं है तो उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, डायरेक्शन रहती है वही, ठीक है, याद रखना। स्केलर क्वांटिटी यानी अदिश राशि से, कोई न्यूमेरिकली वैल्यू से आप मल्टीप्लाई करते हो ना, तो उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती है। हाँ, यदि स्केलर नेगेटिव है तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, अदरवाइज डायरेक्शन वही रहती है, डायरेक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं होता। तो 7.a कैप, तो इसको लिखूंगा 7a कैप क्या है, i-2j, तो 7 का मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा 7i-14j डिवाइड बाय √5। इनको अलग अलग करके लिख लो या इतना लिख लो, बात एक ही है, ये खत समाप्त हुआ। तो बताइए बच्चों, क्वेश्चन समझ आया या नहीं आया? सिंपल क्वेश्चन है कि क्वेश्चन क्या था, हमें एक ए वेक्टर दिया हुआ है और उसमें क्या है कि हमें ये आगे दे दिया कि ए वेक्टर की ही डायरेक्शन में हमें एक अदर वेक्टर फाइंड आउट करना है जिसका मैग्नीट्यूड 7 है। तो फिर आप प्रोसेस समझ सकते हो सारी, मैग्नीट्यूड 7 होने का मतलब मैंने आपको तरीका बताया था कि सबसे पहले उसका यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कर लो, फिर उसी से मल्टीप्लाई कर लो। तो बच्चों जो नेक्स्ट एग्जांपल है आपका एग्जांपल नंबर 6, वो इसी से मिलता जुलता है, मैं इन पे थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ, बाकी प्रोसेस आपके लिए छोड़ूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि जो वेक्टर ए वेक्टर है 2i+2j-5k, ए वेक्टर है 2i+2j-5k, और जो बी वेक्टर है वो है 2i+j+3k, 2i+j+3k, ठीक है। हमें दिया कि सबसे पहले कि इनके योगफल के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए, यानी इनका जो सम होगा उसके डायरेक्शन में आपको एक यूनिट वेक्टर बताना है। क्वेश्चन समझ आया, यानी सबसे पहले आपको क्या करना है, दो वेक्टर दे दिया, अब जो वेक्टर फाइंड आउट करना है वो इनका जो सम होगा उसकी डायरेक्शन में। तो सबसे पहले हमें इनका क्या करना पड़ेगा, एडिशन करना पड़ेगा, अर्थात इनका योग, और फिर जो नया वेक्टर आएगा उसके डायरेक्शन में हम एक यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले आप लिखोगे, जैसे मैंने मान लिया नया वेक्टर, मान लिया मैंने सी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी, दोनों का ऐड करो, 2+2 4, 2+1 3, -5+3 -2। तो अब जो नया वेक्टर है वो क्या है, सी। अब बच्चों पूरी प्रोसेस आपकी ये हो जाती है, पूरी की पूरी प्रोसेस वो करो, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। कोई डाउट है तो बता सकते हो, एक बार बच्चों इन क्वेश्चन को आप देखो आराम से, कोई डाउट है तो बताओ। तो बताइए बच्चों, क्वेश्चन समझ आ गए होंगे कि जब कोई भी वेक्टर हो उसके डायरेक्शन में आपको अदर वेक्टर फाइंड आउट करना हो तो आपकी प्रोसेस क्या रहेगी, यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करो, फिर जितना भी उसका मैग्नीट्यूड बनाना है उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका इससे पूरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, फिर हम एग्जाम्पल नंबर 7। तो जो बच्चों अब आपका एग्जाम्पल नंबर 7 है उसके ऊपर देखिए फोकस कीजिए आप अपना। 7 नंबर एग्जाम्पल है कि पॉइंट है बच्चों हमारे पास दो, कि पॉइंट P 2, 3, 0, पॉइंट जो P है हमसे उसके कोऑर्डिनेट क्या है, 2, 3, 0, एंड पॉइंट Q -1, -2, -4, Q है -1, -2, -4। आगे देखिए कि PQ वेक्टर फाइंड आउट करना है, यानी P से Q की तरफ दिष्ट, यानी P से Q को मिलाने पर जो नया वेक्टर बनेगा वो फाइंड आउट कीजिए। तो इसको तो बेसिकली ये समझो, यानी यहाँ पे एक चीज सबसे बड़ी बात आती है, डायरेक्शन, यानी इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो P है, एंड पॉइंट है वो Q। ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि P टू Q,
जो डायरेक्शन है वो पी टू क्यू की है, यानी हमें पी क्यू वेक्टर फाइंड आउट करना होगा। और यदि मान लो ये क्वेश्चन में ये आ जाए कि जो डायरेक्शन है वो क्यू टू पी की साइड हो, तो फिर यहाँ पे आता क्यू पी। तो आपको फॉर्मूला याद होगा, मैंने इसको मान लीजिए यदि मैं एक्स वन वाई वन जेड वन एज्यूम कर लेता हूँ, इसको एक्स टू वाई टू जेड टू, आपको फॉर्मूला बताया था x2 टू माइनस एक्स वन आई के प्लस वाई टू माइनस वाई वन जे कैप प्लस जेड टू माइनस जेड वन के कैप, यही तो फॉर्मूला बताया था। इस फॉर्मूले में सारी वैल्यू पुट कर दीजिए, तो x2 की वैल्यू माइनस वन माइनस टू आई कैप, y2 की वैल्यू माइनस टू माइनस थ्री जे कैप, जेड टू की है माइनस फोर माइनस जीरो के कैप। फॉर्मूला तो याद होगा, तो क्या आ जाएगा, माइनस थ्री आई माइनस फाइव जे माइनस फोर के, एंड दैट्स योर आंसर। तो बच्चों मेरी तरफ से आपके लिए एक होमवर्क देगा, आप क्यू पी वेक्टर भी फाइंड आउट करोगे, ठीक है। क्या फाइंड आउट करोगे, क्यू पी। तो चलो ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, साइन चेंज हो जाएंगे, इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, क्यू पी वेक्टर ये सब पॉजिटिव हो जाएंगे और सबकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, कोई नेगेटिव तो वो रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है बच्चों। कोई डाउट है तो बता सकते हो, क्वेश्चन समझ आ गया होगा। फिर बारी आती है एग्जाम्पल नंबर एट की। एग्जाम्पल नंबर एट है कि दो क्वेश्चन पहले हिंदी में रीड कर रहा हूँ फिर इंग्लिश में बोल दूंगा, ठीक है। कि दो बिंदु P और Q जिनके स्थिति सदिश, दो बिंदु बच्चों हमारे पास P और Q जिनके स्थिति सदिश है 3a माइनस 2b और OQ वेक्टर है a प्लस b। तो एक ऐसे बिंदु R का स्थिति सदिश ज्ञात कीजिए जो P और Q को मिलाने वाली रेखा को 2:1 में अंत और बाह्य विभाजित करता है। तो बच्चों इसमें रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन का बेसिकली मीनिंग बता देता हूँ कि आपको क्वेश्चन ये दे कि आपके पास टू पॉइंट है P एंड Q जिनका ओरिजिन के रिस्पेक्ट में जो पोजिशन वेक्टर है वो है ओ पी 3a माइनस 2b एंड ओ क्यू है ए प्लस बी। आपको एक अदर वेक्टर पॉइंट है आर, एक पॉइंट क्या है आर जिसका आपको पोजीशन वेक्टर ओ आर फाइंड आउट करना है जो पी क्यू को 2:1 के अंदर इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिवाइड करता है। तो बताइए बच्चों पूरा क्वेश्चन समझ आया या नहीं आया, रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन ये है कि आपके पास प्लेन के अंदर दो डिफरेंट पॉइंट है P और Q जिनका पोजीशन वेक्टर OP वेक्टर और OQ वेक्टर आपको गिवन है क्वेश्चन में। आपको कह दिया एक अदर पॉइंट R होगा जिसका आपको OR पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करना है। कब, दो केस हैं, जब ये इन्हें 2:1 में इंटरनल डिवाइड करे और एक्सटर्नल डिवाइड करे। तो बच्चों आपको प्रीवियस लेक्चर याद होगा जिसके अंदर हमने इसको डिस्कस किया था। तो सबसे पहले इंटरनल डिवीजन पे आते हैं, फॉर्मूला याद होगा बता देता हूं। जैसे ए वेक्टर और बी वेक्टर हो, एम रेशियो में इंटरनल डिवीजन हो तो क्या होगा, एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर डिवाइड बाई एम प्लस एन, यही होगा। और एक्सटर्नल होगा तो यहाँ पे बीच में माइनस आ जाएगा। तो ओ आर वैक्टर क्या होगा, टू ओपी वैक्टर प्लस वन डोट ओपी वैक्टर डिवाइड बाय टू प्लस वन। ये केस कब लिया है, जब इंटरनल डिवीजन हो, ठीक है। अब आगे देखिए तो टू को ओक्यू से मल्टीप्लाई करना है प्लस वन डॉट ओपी थ्री ए माइनस टू बी, मल्टीप्लाई करेंगे तो टू ए वेक्टर प्लस टू बी वेक्टर प्लस थ्री ए वेक्टर माइनस टू पी वेक्टर डिवाइड बाई थ्री। तो टू बी से टू बी कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा फाइव बाई थ्री ए वेक्टर। जो ओ आर वेक्टर होगा वो ए की ही डायरेक्शन का आपका कोई नया वेक्टर होगा। आगे बात समझ में, आगे देखिए जब ये इसको एक्सटर्नल डिवाइड करे, जब ये एक्सटर्नल डिवीजन का केस,
तब आपको सिर्फ इतना चेंज करना है यहाँ पे बीच में कौन सा साइन आ जाएगा, नेगेटिव साइन, यानी जो ओ आर वेक्टर है वो हो जाएगा 2OQ-1.OP वेक्टर डिवाइड बाई 2-1, कुछ ऐसा हो जाएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं, तो 2 को OQ से मल्टीप्लाई करके मैं यहाँ पे सीधा ही लिखूंगा 2A+2B, माइनस लगने पर